14 के चुनाव में प्रधानमंत्री का यही बयान था, किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बड़ी मुश्किल से लोग अपना आशियाना बनाते हैं और आंखों के सामने ही अगर आपका आशियाना तोड़ा जाए तो जाहिर सी बात है हंगामा होगा ही। कुछ ऐसा ही हुआ है लखनऊ में, जहां कुकरेल नदी किनारे बसे अकबर नगर में एलडीए द्वारा दलबल के साथ पहुंचकर वहां बने मकानों पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत की गई। अकबर नगर में कार्रवाई देख लोग सड़क पर उतर गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच बीजेपी पार्टी के मंडल अध्यक्ष मंगल झा भी जनता के समर्थन में सड़क पर उतर गए कि लोगों के घरों को न तोड़ा जाए, लेकिन इन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। इस कड़कड़ाते हुए ठंड में लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, आखिर वो लोग कहां जाएंगे। अकबर नगर को अब अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस कार्रवाई को रोक दिया और कहा कि पहले पुनर्वास किया जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जनता के लिए लाठी खाने वाले मंगल झा को भी लोगों ने थाने से वापस ले आया और फूलों से माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। कुछ दिन के लिए अकबर नगर के लोगों को राहत तो मिल गई है कोर्ट के ज़रिए से, लेकिन लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है कि न जाने कब उनके आशियानों को तोड़ दिया जाए। कितने साल के? हम लोग 70 साल के। हम इससे पहले भी सास ससुर में आए मर गए। बड़े बड़े लड़के हम लोग ब्याह कर ले कहाँ जाए। आपके क्षेत्र के विधायक को सांसद नहीं आया? कोई भी नहीं आया। एक एक जने बोलो, एक एक जने देखो भैया, बर्तन बेटी बचा बेटी पढ़ाओ, यही है कर दिया। 14 के चुनाव में प्रधानमंत्री का यही बयान था, किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा, हर गरीब को वहीं पर पट्टा किया जाएगा जहां रह रहे हैं। और आज 14 के बाद 19 का चुनाव, जिंदगी बर्बाद कर दिया। इतनी साल कोई सरकार नहीं आई आज तक के, हर जगह से तो कहेंगे हम किसी और से कहेंगे, हर चीज की सुविधा हमको इनसे मिली